सीतापुर के गांजरी इलाके में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण दो तरफा खतरे से जूझ रहे हैं। एक तरफ उफनाई सरयू नदी की बेकाबू लहरें आबादी की ओर बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ घड़ियाल के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। पिछले एक पखवाड़े से घड़ियाल सरयू नदी की तलहटी में बसे गांव के आसपास विचरण करता नजर आ रहा है। एक गाय पर घड़ियाल के हमले से दहशत बढ़ गई है। रेउसा इलाके में बाढ़ के समय जहां लोगों के सामने अपने आशियाने और गृहस्थी सुरक्षित कर रखने के साथ उन्हें अपने बच्चों और पशुओं की जान बचाना भी सबसे बड़ी चुनौती होती है। पिछले कुछ दिनों से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, किनारे पर बसे गांव से बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। ऐसी स्थिति में जहां लोग अपनी गृहस्थी का सामान सुरक्षित करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ नदी में कहीं से आया एक बड़ा घड़ियाल गांव में आबादी के बीच आ गया है। पासिनपुरवा व परमेश्वरपुरवा गांव के बीच गोपाल के घर के सामने करीब एक पखवाड़े से घड़ियाल देखा जा रहा है। कई बार वो घर के पास तक आ गया है और उनकी गाय पर हमला भी किया। ग्रामीणों ने लाठी डंडों के सहारे उसे भगाया तो वो नदी में चला गया। ग्रामीणों का कहना कि वो नदी से बाहर आकर बार बार उनके घर की तरफ आता है। दहशत के मारे रात भर अपने बच्चों व मवेशियों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी कर रहे हैं। घड़ियाल के खौफ से पासिनपुरवा और परमेश्वरपुरवा में कैसा माहौल है, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अम्बरीश मिश्र। हम खड़े हैं रेउसा क्षेत्र के गौलोक कॉर्नर के परमेश्वरपुरवा। यहाँ अभी हमने आपको दिखाया कि एक घड़ियाल जो गांव के अंदर आ चुका है, जहाँ एक तरफ शासन द्वारा सुरक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण होने की बात कही जा रही है, बाढ़ आपदा के समय लोगों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं यह घड़ियाल लगभग एक हफ्ते से नदी के किनारे बैठा हुआ है, आबादी के अंदर आ चुका है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन अभी तक वहां कोई भी अधिकारी या जिम्मेदार नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान व लेखपाल को जानकारी दी भी गई है, लेकिन कोई वहां नहीं है। ग्रामीण अपने बच्चों को, अपने पशुओं को खुद बचाते हैं, रात को जागते हैं। आई इंडिया के लिए अम्बरीश मिश्रा की रिपोर्ट। घड़ियाल के बार बार आबादी में पहुंचने से ग्रामीण किस तरह उसका सामना कर रहे हैं, आई इंडिया ने स्थानीय लोगों से भी बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। ये नाक है और ये 20 दिन से निकलता है, लेकिन आज ऊंचे निकल के यहाँ हमारी गाय के पास कल आया तो गाय छोड़ दिया, तो डोर काट दिया, तब गाय बची, नहीं तो गाय को पकड़ लेता। और रात कहा लड़का बच्चन कहा जाग कहा बचाती है, बहुत दांत किए है। और अभी इस समय प्रधान फोन किया, लेखपाल फोन किया है, आपके पास किया, आप आए तुरंत, अब इसकी कार्यवाही करिए, आप जो कुछ करना है। परमेश्वरपुरवा गौलोक कोडर भाई लाल यादव। ये परमेश्वरपुरवा है तो लगभग 20 दिन से, लेकिन 24 घंटा छट नहीं है, कहीं सब बचा जाता है, जाग जुग के कोई नया आया, सूचना दिया था कोई नया आया, लेखपाल के दिन गए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।